तो भैया आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एमएक्स टकाटक अकाउंट को परमानेंटली बंद कैसे कर सकते हैं, हमेशा के लिए उसको बंद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब से टिकटॉक हमारे इंडिया में बैन हुआ है तब से इंडिया के बहुत सारे शॉर्ट वीडियो ऐप जो है लॉन्च किया गया, लेकिन कोई भी अच्छा से वर्क नहीं करता था, सभी ऐप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता था। ठीक है, लेकिन जितने भी टिकटॉकर थे वो सभी लोग सभी ऐप को इंस्टॉल किए, लो उसको यूज करने लगे, किसी में मजा नहीं आ रहा था, सबका सब बेकार था। ठीक है, यहाँ पर तो हम सभी ऐप में अपना अकाउंट को बना चुके हैं, अपना इन्फॉर्मेशन उसमें डाल चुके हैं। ठीक है, तो इसी में आपको बताने वाले कि एमएक्स टकाटक का जो अकाउंट है, अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं हमेशा के लिए, आप उसको यूज नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो आप सबके लिए। ठीक है, और आप सब जानते होंगे कि आजकल हैकिंग का ज़माना चल रहा है, कोई बोला ये हैक हो गया, ये हैक हो गया। ठीक है, तो आप सिंपली इससे बच सकते हैं, आप देख ली परमानेंटली अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐप को पहले यूज करते थे, अब वो आपका कोई काम नहीं है, तो आप देख ली उसको परमानेंटली बंद कर दीजिए। ठीक है, आप उसमें अपने अकाउंट को मत दीजिए, आप परमानेंटली उसको बंद कर दीजिए कि आपका डाटा कोई सा भी उसके पास ना रहे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि आप एमएक्स टकाटक अकाउंट को परमानेंटली बंद कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम इसके चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन, ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो लिख रहे हैं उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। और आप सब जानते होंगे कि ऐसा वीडियो हमेशा लगातार आते ही रहता हूं, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल के स्क्रीन पर आने पर यहाँ से देख ली सेटिंग को ओपन कर लीजिए। ठीक है, आपका मोबाइल को जहाँ से सेटिंग मिलेगा आप वहाँ से उस पर क्लिक करके आप सेटिंग को ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेंगे यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट को खोज लीजिएगा। ठीक है, हो सकते है आपका ऊपर दिखाई दे या फिर नीचे, आप अपना गूगल अकाउंट को खोज लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिएगा, सर्च बार अगर आपके मोबाइल में दिया होगा तो। ठीक है, यहाँ से देख ली हम खोज लेते हैं गूगल अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर हमको दिखाई देगा गूगल। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से गूगल अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से लाइव प्रूफ के साथ देख सकते होंगे हमारे स्क्रीन पर, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अकाउंट सर्विस, आप यहाँ से देख सकते होंगे। ठीक है, तो इस पर देख लीजिए हम क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर लिए। क्लिक करने यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर पर आ रहा होगा कनेक्टेड एप्स। ठीक है, इस ईमेल आईडी से जितने भी ऐप कनेक्ट होगा यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से कनेक्टेड एप्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लिए। क्लिक करने बाद कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ से प्रोसेसिंग लिया। ठीक है, और यहाँ से प्रोसेसिंग समाप्त हो गया। ठीक है, और आप यहाँ से देख सकते होंगे कि अगर आपके मोबाइल में दो तीन ईमेल आईडी है, जीमेल अकाउंट है, अगर आप दूसरे जीमेल अकाउंट से मतलब हटाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो जीमेल अकाउंट है टेक्निकल सुजीत 6200@gmail.com। ठीक है, तो इससे हमको डिलीट नहीं करना है हमारा जो दूसरा जीमेल अकाउंट है। ठीक है, तो सिंपली आपके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने में आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल अकाउंट होगा यहाँ पर शो होने लगा। आपके जिस जीमेल अकाउंट से डिलीट करना है आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने में आप यहाँ से देख सकते होंगे कि एमएक्स टकाटक का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि हम इससे एमएक्स टकाटक भी लॉग इन किए थे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से हमको परमानेंटली इसको बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ से देख ली एमएक्स टकाटक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिसकनेक्ट। ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने में यहाँ से देख ली यहाँ से फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिसकनेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने यहाँ से देख ली परमानेंटली एमएक्स टकाटक का जो लॉगिन हुआ था वो परमानेंटली हमारा बंद हो गया। फिर से अगर हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो भी फ्लोर से जो भी हम वीडियो को अपलोड किए थे वो हमारा अब नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से जानते होंगे। ठीक है, यहाँ से परमानेंटली हमारा बंद हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं बैक। तो यहाँ से हमारा हो गया एमएक्स टकाटक का जो अकाउंट परमानेंटली बंद। ठीक है, तो आप भी कुछ इस प्रकार से अपने अकाउंट को परमानेंटली बंद कर सकते हैं अगर आपको हैकिंग वोकिंग का कुछ भी डर है तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।